तो मिस्त्री भाइयों तैयार हैं आप ये सीखने के लिए कि भाई कॉलम का शटरिंग करने का तरीका क्या है। भाई लोग जो है खास करके मिस्त्री की बात कर रहे हैं, कॉलम का शटरिंग अगर गलत तरीका से कर देने से क्या होता है कि भाई अब प्रॉपर तरीके से शटरिंग नहीं किया, उसमें ना तो कंक्रीट वाइब्रेटर यूज करता है, ना ही प्रॉपर कंपेक्शन करता है, ना कवर ब्लॉक लगाता है, बहुत सारा गलती कर देता है। आज हम इस वीडियो के जरिए जो है आपको सही तरीके बताऊंगा, अगर सही तरीके से कास्टिंग नहीं करने से कॉलम सेंटर लाइन से बाहर चला गया और साथ ही जो है कॉलम आपका जो है कहीं जो है ढलाई के समय जो फूल गया, ये सब चीज बिल्कुल नहीं होगा अगर आप ये तरीका अपनाएंगे। और ये मैं जो वीडियो बनाया हूं मिस्त्री भाइयों के लिए, सिर्फ मिस्त्री भाइयों के लिए ही नहीं, एक आम जनता आम पब्लिक चाहे के लिए भी है, वो भी जो है ये वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। और एक और चीज जो हमारे इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट चाहे घर के मालिक चाहे कोई भी हो, सबके लिए भाई तैयार रहिए। तो अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि भाई कि यहाँ पे क्या कर रहा है ये भाई, एक छोटा सा बना करके उसको कभी बटन लगा कभी आगे करा कभी पीछे का, भाई ये है आपका स्टार्टर। और हम जो है और ये वीडियो जो है उस तब एप्लीकेबल है जब आप सबसे पहले कॉलम ढलाई करते हैं तब जाकर के ईंट की चिनाई करते हैं। हाँ ये एप्लीकेबल उस जगह पर नहीं है जहां सबसे पहले ब्रिक जुड़ाई होता है, ईंट जुड़ाई होता है, चिनाई होता है, तब कॉलम ढलाई करते हैं, उस जगह पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब यहां हम बात कर लेते हैं इसका शटरिंग को लेकर। तो यहां पे सबसे पहला जो काम है सूता से आपको कॉलम का सेंटर लाइन निकालना, देख रहे हैं, और ये कहां पे है प्लिंथ बीम मतलब प्लिंथ लेवल के ऊपर का काम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कॉलम का सेंटर, क्योंकि प्लिंथ बीम तो तक जो ढलाई कॉलम का साथ हो जाएगा, अब उसके बाद हम कॉलम का सेंटर लाइन निकाल रहे हैं। तब जरा देखिए तो कॉलम का पहला काम क्या है मेरा, कॉलम सेंटर लाइन। हम यहां पे हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में इसलिए लिखेंगे क्योंकि क्या है कि भाई कि सभी कोई इंडिया में है या आप लोग सभी कोई को ये भाषा समझ में आ जाए। कॉलम सेंटर लाइन, तो कॉलम सेंटर लाइन सबसे पहले निकाल लिए, उसके बाद जो आता है हमें स्टार्टर, स्टार्टर ढलाई करना जो आपका कितना रहेगा 3 इंची थिकनेस का रहेगा। अब स्टार्टर ढलाई करने के पीछे क्या रीजन है, यह कि भाई कॉलम का शटरिंग आपका जो है अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब ये हो जाने के बाद जो है नेक्स्ट मेरा आता है स्टार्टर ढलाई कर दिए, फिर आता है मेरा क्या शटरिंग बोर्ड तैयार करना। शटरिंग बोर्ड ज्यादातर कोशिश कीजिए कि आप जो है प्लाई का यूज कीजिए, ठीक है, और उसमें जो है आप ऑयल शटरिंग ऑयल आता है या ना तो जला हुआ मोबिल आप यूज कर सकते हैं, जिससे क्या है कि भाई बोर्ड उसमें फंसे नहीं। अब है शटरिंग बोर्ड तैयार करना, ठीक है, शटरिंग बोर्ड तैयार करना, शटरिंग बोर्ड तैयार होगा फिर शटरिंग लगाएंगे, शटरिंग लगाए, यहां मैं ऐसे से कर रहा हूं शटरिंग ऊपर वाला नीचे लिख लीजिए, शटरिंग लगाए, फिर उसके बाद जो है अब हमें प्लम प्लम बॉब प्लम बॉब देखना है। देखिए स्क्रीन पर लिखने में थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है, तो आप हमें बोल भी रहा हूं तो उसको आप इस हिसाब से आप देखिएगा, प्लम बॉब देखना। प्लम बॉब क्यों देखना भाई, शटरिंग बोर्ड लगा है उसके बाद जो प्लम बॉब देखने की क्या जरूरत है, प्लम बॉब देखने से क्या है कि भाई कि जो आप स्टार्टर जो लगाए थे उसके चारों साइड जो बोर्ड लगाएंगे प्लम बॉब लगाएंगे तो आपको जो है 90 डिग्री में पता चलेगा वो सीधा है या नहीं है। ठीक है, ये सब देखिए बेसिक्स बेसिक तरीका है। अगर इसी जगह पे आप हम अगर हम स्टार्टर नहीं ढलाई करते तो जो है कॉलम का सेटिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आता है, बेस मिल ही नहीं पाता, बेस मिल गया बस साहुल चेक कर लेना है और जो है कॉलम का जो भी साइज आपका है उसको देख लेना। अब जो है प्लम बॉब इस्तेमाल किए, फिर उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा इस चीजों को लेकर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, प्लम बॉब देखना है, फिर उसके बाद जो है जांचेंगे क्या साइज, साइज जांचेंगे और कॉलम का
कि भाई प्रॉपर साइज में है कि नहीं। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद हम वो क्या करेंगे, अब साइड बोर्ड हम लोग देखेंगे, साइड बोर्ड लगाएंगे चारों साइड से, क्योंकि अगर जिस समय ढलाई करेंगे उस समय जो है आपका स्ट्रिंग भागे नहीं। ठीक है, साइड बोर्ड लगाएंगे, जैसा कि आप यहां पे देख भी रहे, साइड बोर्ड जो है लगाया गया। ठीक है, साइड बोर्ड लगाने से कंक्रीट पोरिंग करेंगे तो ज्यादा स्ट्रिंग भागेगा नहीं। अगर ज्यादा हाइट, हाँ एक बार में 4 फीट ही ढलाई कीजिएगा, याद रखिएगा 4 फीट का ही बनाइए, यहाँ पे 4 फीट लगा लिया गया। ठीक है, साइड बोर्ड लगा दिए, अब उसके बाद देखिए क्या करना, क्या क्या चेक करना, साइड बोर्ड यूज किए, अब जो है कवर ब्लॉक। अब कवर ब्लॉक का क्या काम है, कवर ब्लॉक का काम यह है कि भाई सरिया और सट्रिंग के बीच का डिस्टेंस को मेंटेन करके रखेगा, और इस कॉलम में जो 9x9 इंच कॉलम है इसमें 1 इंची का कवर ब्लॉक लगेगा। कवर ब्लॉक लगा दिए, फिर उसके बाद जो है ढलाई करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कंपैक्शन, कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर कंपैक्शन के लिए। और याद रहे, अगर ज्यादा हाइट है, 4 फीट ज्यादा हाइट है, तब आपको जो है अलग से एक स्टेजिंग करना पड़ेगा, किस लिए भाई, कंक्रीट पोरिंग के लिए। कभी भी जो है स्टेजिंग जो है कॉलम के साथ बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर आप चढ़ के जो है कॉलम ढलाई कीजिएगा, फिर इससे दिक्कतें क्या आएगी कि भाई कि आपका जो है कॉलम भागने का ज्यादा चांस रहता है। आप कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या है कि कंपैक्शन आपका प्रॉपर तरीके से एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कंक्रीट वाइब्रेटर जो है, जिसमें आप यहाँ पे कंक्रीट हैंड वाइब्रेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंपैक्शन के लिए, ये आपको ध्यान में लेकर चलना, बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट जानकारी है, जो कि आपको घर बनाते समय आप यूज करना है। और फिर इसके बाद जो है प्रॉपर कंपैक्शन हो जाने के बाद तब आता है कि इसको अगले दिन 16 से 24 घंटा के अंदर इसका साइड बोर्ड पूरा खोल देंगे। साइड बोर्ड खोलने के बाद और कुछ इस तरीके से जो है आपको सीयर की डाल देना है, और ढलाई के 10 मिनट बाद इसको हटा दीजिएगा, जिससे कि इन ऊपर जब कॉलम ढलाई करेंगे दोनों का ज्वाइंट जो अच्छी तरीके से हो जाएगा इस। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, तो जब ढलाई हो जाए खुल जाएगा तब जूट बैग से जो है चारों साइड से इसको जैसे ढक देना है प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग करने के लिए। ठीक है, अब ये वाटर क्यूरिंग कितना दिन करेंगे, वाटर क्यूरिंग आपको कम से कम जो है 10 डेज करना है, तब जा करके इसका आगे का एक्टिविटी कीजिएगा। इतना ही था दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है जरूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही अपन चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए उसको क्लिक कर देगा, उससे बेनिफिट वैसे होता है, जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया आपके लिए आएगा सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पर देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।